आप मेरी जांच कराइए, मैंने अगर कारण गलत लिखा है तो, मैंने अगर अपनी पत्नी का कारण गलत लिखा है, आप बाकायदा जांच कराइए विभागीय। अगर मैं गलत हूँ बर्खास्त करिए मुझे, आपको पूरा अधिकार है मुझे बर्खास्त करने का। मुझे इतना अधिकार है कि आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी जब मैं वाजिब कारण लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप भी थे, आप नहीं थे, सक्षम अधिकारी SPRA साहब यहीं पे मौजूद थे, SPRA साहब के सामने भैया ने पेश भी की छुट्टी, फिर क्यों नहीं छुट्टियां, फिर क्यों नहीं छुट्टियां? हमारे पास कोई नहीं, नहीं अरे मेरी मेरी दीदी के 3 ऑपरेशन हो गए, उसका तो बच्चा भी नहीं होगा। मेरा भाई आर्मी में था, वो खत्म हो गया, मैं अपने घर में अकेला, अब मैं क्या करूँगा? मैं नौकरी का भी क्या करूँगा और संपत्ति का भी क्या करूँगा, ये बताओ आप। जब मैं वाजिब कारण लिख रहा हूँ छुट्टी देने में परेशानी क्या होती है ये बताओ। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, जो हुआ सो हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप मुझे जवाब दीजिए, आप जांच करा लीजिए, ये मेरा रीजन है। अगर मैंने इसमें गलत लिखा है, ये देख लीजिए, मैंने इसमें लिखा है प्रार्थी की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण प्रार्थी अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहता है। अगर मैंने इसमें गलत लिखा है, आप बाकायदा जांच कराइए विभागीय। अगर मैं गलत हूँ आप बर्खास्त कर दीजिए मुझे। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख आप देखिए बाकायदा सबसे, ये देखो CR के बाबूजी से भी मैंने फॉरवर्ड करा ली, प्रभारी से भी फॉरवर्ड करा ली, अब बताओ मुझे और किससे फॉरवर्ड करानी है, आप बता दीजिए।